नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज अपडेट में बात करेंगे 6800 की लिस्ट को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुए बातचीत के बारे में। टीम ने लिखा है कि आज दिन भर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और सचिव से मुलाकात के बाद यही कह सकते हैं कि सरकार को अभी भी कोई जल्दी नहीं है। वे 25 अप्रैल का ही इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही वे उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से 25 तारीख को जो एजी हैं वो तो उपस्थित नहीं होंगे, उनके स्थान पर कोई दूसरा वकील अपना तर्क सरकार की ओर से रखेगा। इसके बाद सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि 6800 की लिस्ट पर से स्टे हटाने के लिए सरकार हाई कोर्ट में वेकेशन भी डाल सकती है। ये SCRT लखनऊ पर धरने में शामिल अभी भी कई लोग वहीं पर हैं। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा, बढ़ेगी लेखपाल भर्ती में पदों की संख्या। ये है लेखपाल की सूचना। माह अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार लेखपाल के कुछ स्वीकृत पद, भरे जाने पद और लेखपाल के रिक्त पद। रीना सिंह प्रभारी अधिकारी, कृत आयुक्त, सचिव। वहीं मुद्दा बीएड ब्रिज कोर्स की बात करें तो बीएड साथियों की ब्रिज कोर्स कराने के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अनुसार सुनवाई हुई, डायरेक्शन पर सुनवाई करते हुए राजन राय सर ने सरकार को मात्र 10 दिनों की मोहलत सरकार को दी है। 10 दिनों के भीतर सरकार को बीएड साथियों के ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। आज कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज साहब ने सरकारी अधिवक्ता से स्पष्ट कहा, आप विज्ञापन को पूरा कीजिए, अन्यथा कल को अगर कोई बेवजह के चैलेंज आएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा, सभी अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और सरकार ने ब्रिज कोर्स कराने के लिए निम्नतम फाइल तैयार कर लिया है, किंतु वह अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट ने कहा, आप लोग बेवजह किसी मामले को उलझाए नहीं, गजट में दी हुई नियम शर्तों पर समय पर पूरा करें और विज्ञापन पूरा करिए। यह बताते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल को पुनः फ्रेश केस के रूप में लगा दी है। तो यानी बीएड के ब्रिज कोर्स के लिए 27 अप्रैल को पुनः फ्रेश केस के रूप में सुनवाई होगी। सरकार को 10 दिन का मोहलत दिया गया है। टीम की ओर से कहा गया कि 6800 आरक्षित चयनित अभ्यर्थी कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना देंगे, जबकि जनता दरबार मुख्यमंत्री जी के 6800 आरक्षित वर्ग को नियुक्ति देने के लिए टीम के साथ कई अभ्यर्थी भी थे। टीम में अमरेंद्र सिंह के अलावा कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो जानकारी है वो बताया, जिसके अनुसार 25 के केस के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। फिलहाल 25 के केस के लिए किसी भी प्रकार से AG सर का उम्मीद नहीं है, क्योंकि केस के लिए आएंगे। सरकार फिलहाल रिवीजन यानी कि स्टे ले सकती है, यानी जो स्टे लगा है 6800 पे उसे हटाने का प्रयास कर रही है। अगर हटेगा तभी 6800 की नियुक्ति हो पाएगी। बात करें BTC डीएलएड में 3 बार से अधिक अनुत्तीर्ण हो चुके विभिन्न बैचों के प्रशिक्षकों को प्रत्यावेदन उपरांत अतिरिक्त मौका दिए जाने के संबंध में भी नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरी उम्मीद यही है कि लेखपाल के जो पद हैं वो संभवतः बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुनः एक बार अधियाचन मांगा गया है। फिलहाल 8,500 से अधिक पद लेखपाल का पहले से ही जारी कर दिया गया था, लेकिन अब और पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। धन्यवाद। नमस्कार।